कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के चलते जहां पूरे प्रदेश सहित देश भर में सैनिटाइजर की कमी आ रही है, ऐसे में सैनिटाइजर की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग भी धड़ल्ले से हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब बाजारों में सैनिटाइजर उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे, मेडिकल स्टोर्स पर तो सैनिटाइजर बिक्री के लिए भी उपलब्ध नहीं है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों से लेकर लैब तक में भी अब सैनिटाइजर नहीं है। ऐसे में इसकी कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कोटा में एक सैनिटाइजर फैक्ट्री को अनुमति दी है। कोटा में भी सैनिटाइजर बनने लगा है और करीब 15,000 लीटर सैनिटाइजर रोज बाजार में कोटा की फैक्ट्री से आ रहा है, जिससे सैनिटाइजर की कमी दूर हो रही है, वहीं लोगों को भी राहत मिल पा रही है। हाँ, ये क्या है कि RBCL अलर्ट करेगा कि आपको ये मेडिकल में और आम जनता को किस तरह मिले, तो मेडिकल विभाग में भी उपलब्ध रहेगा और सभी जगह किराने की दुकान भी उपलब्ध रहेगा। और इसको MRP फिक्स है कि उसमें अपना RBCL से अलाटमेंट करे, अपना एप्लीकेशन दे और RBCL से ले। नहीं, वो हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि मैं निर्माता हूँ और मैं ये सैनिटाइजर निर्माण करके सीधा RSBCL डिपो भेज देता हूँ। तो RSBCL का प्रभारी है वो, जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के अलाटमेंट के अनुसार वो अपना दे सकता है किसी को। ये क्या है कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जैसा कि आपको मालूम हो कि ये वित्त विभाग का है, ये तो इसमें हमारी देसी मदरा का निर्माण होता है। ये सन 1958 से राज्य सरकार ने इसको अंडर में लिया था, इसका पूरे राजस्थान में देसी मदरा का निर्माण होता था। चलिए अब बात करेंगे कोरोना से।